तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं कि कल के मार्केट का राशिफल। ठीक है, तो डिस्क्लेमर आपको पता ही है, ये मेरा पर्सनल व्यू होता है। जो भी मैं चीजें बताता हूँ, जो भी आपने काम करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से आप कर सकते हो। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ये था 28 तारीख का डाउन साइड का। आपने देखा बैंक निफ्टी लास्ट में प्लस में बंद हुआ है और निफ्टी माइनस में हुआ है। ठीक है, हमने फ्री वाले जो एस्ट्रो स्टॉक जो चैनल है इस पे कॉल दी थी, ये दी थी 25 से 30 के बीच में बाइंग करने के लिए। मैं एवरेज निकालू 27 50 to 70 गया था। मैं बोला अप्रोक्स डबल हो गया पैसा आप लोगों का, और उसमें टारगेट भी दे रखे थे। पहला टारगेट 43 था, फर्स्ट टाइम जब कॉल आई थी 43 आई, उसके बाद फिर नीचे गई, फिर इसी लेवल पे आई, वहां से खरीदा होगा, फिर डबल हुआ। ठीक है, तो ये आज का हो गया। अभी 29 तारीख को एक्सपायरी का क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम है जो बताया हुआ है। तो वो आप वीडियो वहां देख सकते हो, मैं 3 4 दिन पहले बनाया था, आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी एक्सपायरी तक का। फ्राइडे को हम बृहस्पति को बात करेंगे। अभी देखो बैंक निफ्टी अच्छे लेवल पे बंद हुआ है, 39500। वही चीज मैंने फ्री वाले चैनल पर मार्केट बंद होने से पहले आपको बता दिया था। ठीक है, कि यहाँ पर पुट नहीं बनती, बैंक निफ्टी में पुट मत खरीदो। जो खरीदना है या जो भी करना है हेज के साथ आप कर सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी में। ठीक है, तो ये लेवल आपने ध्यान रखना है। इसके ऊपर कहीं मार्केट खुलता है 600 जाता है, तो 200 300 पॉइंट अगर मार्केट सही होते हैं तो सुबह में ही आपको दे देगा, और इसको अगर तोड़ता है तो 200 पॉइंट नीचे को दे देगा 300 की तरफ। वो हमें ध्यान रखना है, 100 150 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का इंपोर्टेंट लेवल है। मार्केट कल भी ऐसा ही रहेगा। देखो मैंने क्या बताया हुआ, सेल ऑन राइज, बीच बीच में बाउंस आएंगे, तो आप देख ही रहे हो। 2 दिन हो गए और हमारा एक्सपायरी तक का ये व्यू है। कल कल का भी यही रहेगा मार्केट में। वन साइडेड तेजी है, वन साइडेड मंदी नहीं है। अभी बात करते हैं राशियों की, तो आप लोग चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब। देखो सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि अभी जो मैं पोस्ट डालता हूं सीधी कहां डालता हूं, मैंने आज भी डाली थी, अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने डाला था YouTube पे, और उसमें क्या डाला था कि 2:20 है, ये डिसाइड करेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहेगी। अभी यहां से आप लोगों को देखो, यहां से क्या किया मार्केट ने, ऐसे करके यहां से 2:20 पर देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर गए ऐसे। ठीक है, यहां तक गए। अब ये तो मार्केट चली उसमें रहा है कि भाई कहां से लौटेगा, कुछ न कुछ मिला, यहां से सीधे नीचे ऐसे आए यहां पे, तो आपका निफ्टी तो यहां पे आके बंद हो गया इसके ऊपर, और बैंक निफ्टी यहां पे आके बंद हुआ। तो आप बात समझ रहे हैं, यहां से ये डिसाइड किया डायरेक्शन, ऊपर गया नीचे आया ऊपर, दोनों ऊपर जाके बंद हुए। तो ये इंपॉर्टेंट टाइम था, इसलिए मैंने, अगर आप मेरी पोस्ट में देखोगे किसमें, यूट्यूब पे, तो इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो उससे फायदा क्या मिलता है, ये आपको टाइम जो है ना बताता है, भाई ये डिसाइड करेगा यहीं से मार्केट बढ़ा यहां तक गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था दोनों का, यहां से लौटा नीचे आ गया यहां पे आके हमारी जो वो थी फ्री वाली कॉल, मैंने आपको बोल दिया भाई डबल हो गया, डन हो गया हमारा टारगेट। ठीक है, यहां तक ही आना था, सपोर्ट बनता था, यहां से फिर ऊपर उठाए मैंने, यहां पे बैंक निफ्टी की कॉल दिलवाई थी। ठीक है, और उसमें मिले कितने, 57 पॉइंट के, 57 58 पॉइंट, मतलब चल रही थी 240, हमने 250 पर खरीदवाई थी, 39400 की कॉल थी, तो उसमें 58 पॉइंट आराम से मिले 5 7 मिनट में।
अगर किसी ने दोबारा खरीदी होगी तो वो 3 या 4 बार आई है नीचे, 240 230 के करीब करीब में नीचे आई है फिर ऊपर गई है, तो उसमें बहुत अच्छा पैसा बना है। मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा आपको देख लेना, ठीक है। तो ये देखो, ये बिल्कुल जैसे बताया वो चीज आपने सिर्फ समझनी है। अभी राशि की बात करते हैं, बड़ा नहीं करेंगे। मेष राशि कमजोर है, बाकी राशि ठीक है। मेष के 1.5, वृषभ के 3, मिथुन के 3.5, कर्क के 3.5, सिंह के 4, कन्या के 3 और तुला राशि के 4, वृश्चिक के 3.5, धनु के 2, मकर के 5, कुंभ के 2.5 और मीन राशि के 4। ये हमारी जो सर्विस है वो है, मैं क्या रोजाना बताना है आप लोगों को, कुंडली वगैरह दिखाना है। अब समझते हो गए थोड़े पैसा से हमारे बड़े पैसा बच सकते हैं, तो वो जरूर करना चाहिए। कुंडली में आपको कहीं ना कहीं जो ग्रह खराब होते हैं वो पूरे ग्रहों के उपाय टोटका जो भी होते हैं बताता हूँ, और उनसे फायदा भी होता है, तो वो आपको देख सकते हो, ठीक है। ये खत्म हो गया, अभी बात करते हैं। देखो यहाँ आपका वीडियो खत्म हो गया, जिसने मार्केट देखना था खत्म है। अभी ये केवल बात करेंगे स्टूडेंट से जो 10-12 आदमी फ्री में सीख रहे हैं। आज का आप देखो, आज क्या था, मैं तुम्हारे को इसलिए बता रहा हूं, तुम मेरे से बहस करते हो ना। देखो आज मंगलवार था, मंगलवार था, मंगल का नक्षत्र था, और क्या था, आज तारीख कितनी थी, 28, तो 28 का मूल्यांक 1, ये नंबर हो गया सूर्य का। ये तीनों चीजें कितनी अच्छी मिल रही थी, ये तीनों चीज अच्छी मिल गई। इसके बाद में चंद्रमा और मंगल एक साथ थे, अच्छा योग बनता है, लक्ष्मी योग बन रहा था, मंगल और चंद्रमा भी थे। फिर आपका मार्केट पॉजिटिव क्यों नहीं रहा, यह क्यों नहीं बंद हुआ, जो तुम लोग बोलते हो वो ही मैं बता रहा हूं भाई, जैसे तुम बताते हो मेरे को, कि ये क्यों नहीं हुआ। तुमने कल डाला था ना कि 3 या 4 ने बोला ये मंगलवार है गुरु जी, कल मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा और सूर्य जो है का मूल्यांक है, बहुत अच्छा बनता है मार्केट के लिए। फिर मैं क्यों बोला आप लोगों को सेल ऑन राइज है और बीच बीच में बाउंस आएंगे। देखो ये चीज तो बर्बली चीज है, ये नहीं काम करती है मार्केट में, ठीक है, इसके पीछे कुछ और होता है। तो आप बात समझ गए ना, मैंने आपको ये रिपीट कर दिया है बस। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।